बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नाज़रीन? ठीक है, खैरियत से हैं? जहाँ की अल्लाह आपको खुश रखे, दुनिया और आखिरत की भलाई दे, आसानी अता फरमाए। तो जो बीमार है अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, शिफा दे, और जो इस दुनिया फ़ानी से जा चुके अल्लाह उन सब की मगफ़रत फरमाए, दर्जात बुलंद करे और उन्हें जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अदा करे और आप सबको सब्र जमील भी अता करे। नाज़रीन, आज जो है हमारे साथ जो है ना, क्या कहे कि क्या चक्कर हो गया, आज हमारी फैमिली आपको नज़र नहीं आ रही कि कहाँ चली गई। बेटा एक बैठा हुआ है आपके सामने, दूसरे ने मोबाइल पकड़ा हुआ है, कैमरा वीडियो बना रहा है, और आज खाना जो है ना हमें नहीं मिला, खाने की हड़ताल हो गई है। तो ये देखें, ज़रा ये दिखाओ जी बेटा, आंप लाए हैं और साथ जो है ये केले लाए हैं, ये रोटी से भी महंगे पड़ गए हमें। और फैमिली जो है, बच्चे आज जो है ना वो इस्तीफा दे के चले गए, हड़ताल करके चले गए हैं। वो अचानक ही, यानी कि पता ही नहीं चला कि वो मेरे सांडू भी आए हुए थे, साली भी आई हुई थी, और बेगम को मैंने खुद ही कहा कि आप तैयार हों और चले जाएं आप अपने माँ बाप को मिलने के लिए, काफ़ी वक्त हो गया आप मुलाकात के लिए नहीं गई, उधर चली गई। तो फिर मैं होटल पर गया मगरब को, और ये मगरब से थोड़ी देर पहले ही तीन होटल हैं, तीनों ही बंद थे, मुहर्रम राम की वजह से जो है ना बंद हो गए, और छुट्टी करके चले गए, वहाँ कोई भी नहीं था। तो मैंने कहा अच्छा जी खाना ले लेंगे, खाना तो सस्ता पड़ जाएगा, रोटी अब इससे तो पेट नहीं भरा जाएगा हमारा, अब रात को हमने गुजारा करना है इंशाल्लाह इसके साथ, फिर सुबह जो है नेक्स्ट देखेंगे, आपने हमारे साथ रहना। नाज़रीन, अब आपके सामने ये दूसरा बेटा आ गया, यानी कि दो बेटे मेरे पास रह गए, बच्चे जो हैं वो दादी के पास चली गई, दादी के घर पर तीन बच्चियाँ और एक बच्ची जी, बच्ची और छोटा हमारा वक्कर आमना गोल, और वक्कर जो है वो अपनी माँ के साथ अपने नानकों की तरफ चले गए हैं, अहमदपुर साइड पे वो रहते हैं, खानपुर मिर्चा वाला वहाँ पे। तो अल्लाह उनको खैरफियत से बचाए और आसानी अदा करे उनके लिए, आज हम इसी पे गुजारा करेंगे, सुबह फिर देखेंगे क्या होता है हमारे साथ, अल्लाह खैर करेगा। अब हम आपसे ज़्यादा चाहते हैं, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।